हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल उत्पम। ये काफ़ी टेस्टी लगता है और वेजिटेबल से भरपूर होता है, इसलिए हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है ब्रेकफास्ट। ये सभी इसको खाना भी पसंद करते हैं घर पर। इसको बनाने के लिए मैंने इडली बैटर लिया है, उसकी जो थिकनेस है आप देख सकते हैं ऐसी होनी चाहिए हमारी थिकनेस। आप यहाँ पर डोसा बैटर या फिर इडली बैटर किसी से भी इसको बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इडली बैटर लिया है, इसकी रेसिपी आप मेरी चैनल पर देख सकते हैं। अब इस बैटर में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और उसको अच्छे से 5 मिनट तक फेंटेंगे। वैसे हमारा जो बैटर है फर्मेंट हो चुका है, लेकिन नमक डालने से मुझे अच्छे से मिक्स होना चाहिए। अभी बैटर को फेंटने के बाद हम इसमें ऐड इसको तवे पर थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और अपने बैटर को डालेंगे। जितने थिकनेस हमें अपने उत्पम की चाहिए आप उतना बैटर डाल सकते हैं। 2 से 3 स्पून भरकर मैंने अपना बैटर डाला है और इसको ज़्यादा बड़ा नहीं फैलाना है, ज़्यादा बैटर भी नहीं डालना है वरना काफ़ी मोटा बन जाएगा और जो हमारा जब इसको हम सेकेंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। अभी मिडिल में से ही इसको हमें सिर्फ फैलाना है 1 से 2 बार ताकि इसकी जो शेप है वो अच्छे से आ सके, अदरवाइज़ हमें इसको थिकनेस रख के तेज इसको छोड़ देना है। ऊपर से ऐड करेंगे थोड़ी सी वेजिटेबल। मैंने यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ गाजर लिया है और चकुंदर, उसको अच्छे से डाल देंगे इसके ऊपर। आप यहाँ पर कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। ऊपर से डालेंगे थोड़े से कद्दूकस की गोभी। आप यहाँ पर ओनियन भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैंने ओनियन स्किप किया है। पूरे अच्छे तरह से इसके ऊपर वेजिटेबल जो भी हमें डालनी है चारों तरफ से किनारों पर अंदर तक पूरा अच्छे से इसको भर देंगे। थोड़ा सा जो हमें वेजिटेबल जिससे ये हमारा उत्पम है जो कलरफुल लगे, इसलिए हम ये थोड़ा कलरफुल कैरेट और बीट रूट को लिया है। और ऊपर से अभी ऐड करेंगे हम इसमें हरा धनिया और इसके ऊपर से थोड़ा सा ऐड करेंगे हम सांभर मसाला। सांभर मसाले से इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। नमक हमने इसमें वेजिटेबल वगैरह में डालने की नीड नहीं है क्योंकि हमने उत्पम का जो बैटर है उसमें नमक डाला है। अभी थोड़ा सा ऐड करेंगे ऊपर से देसी घी और एक स्पैचुला की हेल्प से उसको नीचे तक दबाते हुए प्रेस करेंगे ताकि जो वेजिटेबल है वो अच्छे से इसमें नीचे प्रेस हो जाए उत्पम में और वो अच्छे से फ्राई हो जाए। अभी एक साइड से सीखा है इसको हम टर्न करेंगे। अभी आप देख सकते हैं नीचे से कितना अच्छे से कलर आ गया इसमें। लो टू मीडियम हमें अपनी जो गैस का फ्लेम है वो रखना है वरना ये अंदर से कच्चा रह जाता है। आप देख सकते हैं हमारी वेजिटेबल अच्छे से कुक हो गई है। अभी हम इसको 1/2 मिनट के लिए और पकाएंगे। जो हमारा हरा धनिया गाजर बीट रूट आए थे वो बिल्कुल अच्छे से जो है फ्राई हो गई है, वो सिख गई है पूरी अच्छे से और ये काफ़ी क्रिस्पी बना, काफ़ी देखने में सुंदर है। अभी हम इसको सर्व करेंगे एक प्लेट में। उसके साथ हमने लिए मूंगफली की चटनी। आप कोई भी चटनी ले सकते हैं, मूंगफली की चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये झटपट बनने वाला नाश्ता है, इसमें कोई भी ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और अगर बच्चे आप वेजिटेबल नहीं खाते तो वो भी खा सकते हैं। थैंक्स।